आज हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उस पर विचार करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग विचार किए थे सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप पे। उसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस था और हम लोग देखे थे जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ ही आता है, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो डी बटा एफ ई आता है। तो ये सूक्ष्मदर्शी जो है ये नेत्र के समीप स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का एक प्रकाशिक यंत्र है। जैसा बताए थे कि सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी तो देखे, बट सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या सरल सूक्ष्मदर्शी से जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म वस्तु नहीं देख पाते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा नेत्र के समीप स्थित अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, और अति सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब दो चरणों में बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। वास्तविक में क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है ये कम फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना होता है। ये दोनों उत्तल लेंस समाक्षीय कोएक्सियली, जिसे हम लोग कहते हैं, समाक्षीय रूप से व्यवस्थित रहता है, और जिसके बीच की दूरी को घटाई बढ़ाई जा सकती है, आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार एक दूसरे के हम लोग समीप ला सकते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम लोग अभिदृश्यक, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका, आईपीस अथवा आई लेंस कहते हैं। नेत्रिका की फोकस दूरी और जो आकार होता है जिसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं वह अभिदृश्यक से बड़ा होता है। एक फोकस दूरी तो दोनों का कम होता है, लेकिन नेत्रिका की फोकस दूरी और नेत्रिका के लेंस का आकार जो होता है वह अभिदृश्यक की फोकस दूरी और अभिदृश्यक के आकार से अधिक होता है। हम लोग बनावट में इस बात को देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी की बनावट कम फोकस दूरी का दो उत्तल लेंस, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उस लेंस को हम लोग अभिदृश्यक, और जो लेंस नेत्र की ओर होगा उसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं। ये अभिदृश्यक का आकार नेत्रिका की तुलना में छोटा होता है, फोकस दूरी भी इसका नेत्रिका की तुलना में कम होता है। फोकस दूरी तो दोनों लेंस का कम होता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसकी फोकस दूरी अधिक होती है तो याद रखना पड़ेगा कि नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। अब हम लोग वस्तु को इसके फोकस एफओ से या एफओ के बगल में रखते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस रख रहे हैं। ए बी वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु, ये किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर लिए, आए किरण प्रकाशित केंद्र से होते हुए जाएगी जो अपने सीध में चली जाएगी, हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। यहां के बाद से इस किरण को हम लोग इस प्रकार से समानांतर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किरण को यहां पे काटने में दिक्कत होगी, ये दोनों किरण यहां पे मिलेगी, और मिलने के बाद यहां पर हम लोग ये दोनों किरण को समान एक दूसरे के समानांतर ले सकते हैं। यहां पर से अपवर्तन के फलस्वरूप ये इस प्रकार से चली जाएगी, और सूक्ष्म वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस से
ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग वीओ से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूओ से डिनोट करते हैं, यहां पे एफओ इस प्रकार से। अब क्या है कि ये नेत्रिका को हम लोग आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि ये प्रतिबिंब एडेस बीडेस जो है वो नेत्रिका की फोकस एफई के अंदर आ जाए। अगर एफई पे आ जाएगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, लेकिन हम लोग नेत्रिका के अंदर में रखते हैं तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि जब प्रतिबिंब, जब वस्तु जो है वह फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में रहता है तो उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रहता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि एडेस बीडेस क्या है ना कि एडेस बीडेस जो है वह नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। तो इस प्रकार से एडजस्ट किए कि एडेस बीडेस वो नेत्रिका की फोकस एफई के अंदर में हो और तब नेत्रिका के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वह स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात कैपिटल डी पे बनेगा। जहां से मिल जाए कौन नहीं बनना चाहिए, आप लोग स्केल के द्वारा बनाइएगा या फिर यहां से मिलाकर उसके बाद इधर खींचिएगा। और जहां पे ये दोनों किरणें मिली ए डबल डैश बी डबल डैश, यहां पे हम लोग नेत्र बनाते हैं, आई ये अभिदीक्षक के नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई, और ये नेत्रिका के लिए ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब बना स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हम लोग यहां से यहां पर वी ई इक्वल टू कैपिटल डी अर्थात 25 सेंटीमीटर लिखते हैं। इस प्रकार से आपका ये फिगर बना। अब क्या है फिर से एक बार देखते हैं कि कम फोकस दूरी का दो उत्तल लेंस को हम लोग समाक्षीय रूप से व्यवस्थित किए हैं, कोएक्सियली रूप से एक दूसरे को व्यवस्थित किए हैं। अभिदृश्यक जो वस्तु की ओर रखा होता है उस लेंस को हम लोग अभिदृश्यक इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे हम लोग नेत्रिका या फिर उसे इंग्लिश में आईपीस कहते हैं। और अभिदृश्यक की फोकस दूरी और घेरा जो होता है दोनों छोटा होता है और नेत्रिका की फोकस दूरी और घेरा अभिदृश्यक की तुलना में बड़ा होता है। हम लोग वस्तु को अभिदृश्यक की फोकस एफओ के बगल में रखते हैं और तब एबी का अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है एडेस बीडेस वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, इसे हम लोग आवर्धित कह सकते हैं। अब एडेस बीडेस जो है वह नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है और नेत्रिका को आगे पीछे खिसका करके इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि एडेस बीडेस नेत्रिका की फोकस एफई के अंदर हो जाए, तब नेत्रिका के द्वारा आभासी उल्टा और आवर्धित मीन्स हम लोग कह सकते हैं वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज जो है ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनता है। अब क्या है आप जानते हैं इसकी आवर्धन क्षमता हम लोग ज्ञात करना है और आवर्धन क्षमता के लिए जो आवर्धन क्षमता का जो डेफिनेशन है कि प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और बिना यंत्र के किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण का अनुपात। तो यहां पर क्या है
कि प्रकाशिक यंत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है, इसके द्वारा जो प्रति ये कोण जो बनेगा नेत्र प्रदर्शन कोण जो बनेगा इसे हम लोग बीटा देख दिए। बट बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण इससे हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो जैसा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग फिगर बी बनाए थे, यहां भी हम लोग एक फिगर बी बनाएंगे। ये सूक्ष्म वस्तु ए भी ले लिए, इससे स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहां पे हम लोग आंख, और ये दर्शन कोण अल्फा हो जाएगा, ये कैपिटल डी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम, ए बी यहां पे नाम हम लोग ई दे देते हैं आई लेंस के लिए ई। इस प्रकार से इसे हम लोग फिगर बी और ये है हमारा फिगर ए। फिगर आप ध्यान से बनाइए और ना हो तो आप फिगर के लिए बुक का भी सहारा ले सकते हैं, बुक से भी आप फिगर बना सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए तो हमें फिगर का कुछ पार्ट्स मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिगर के हम लोग कैलकुलेशन आगे कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो जो जरूरी नहीं है उसे हम लोग मिटाएंगे, बाकी पार्ट्स को रहने देंगे। ये पार्ट्स मिटाते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है। और ये हम लोग को पता चल रहा है कि नेत्रिका और इसके बीच जो डिस्टेंस है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर है। आवर्धन क्षमता कैपिटल एम इक्वल टू बीटा बटे अल्फा। बट आवर्धन क्षमता निकालने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा इसके लिए लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट क्रियाविधि एवं इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो बनावट हुआ, क्रियाविधि आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज कि जब सूक्ष्म वस्तु एबी को अभिदृश्य के फोकस एफओ के ठीक बगल में रखा जाता है तब अभिदृश्य के द्वारा वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब एडेस बीडेस लेंस के दूसरी ओर बनता है। नेत्रिका को आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि एडेस बीडेस नेत्रिका के फोकस एफ के अंदर आ जाए, एडेस बीडेस नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। अब जब नेत्रिका के फोकस एफ के अंदर आ जाए तब नेत्रिका के द्वारा एडेस बीडेस का अभासी उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इतना आपको लैंग्वेज में क्रियाविधि में लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को चलना पड़ेगा आवर्धन क्षमता से। लिख लेते हैं फिगर के बारे में। चित्र में सूक्ष्म वस्तु एबी को जब अभिदृश्य के फोकस एफओ के ठीक बगल में रखा जाता है, एबी में सूक्ष्म वस्तु एबी को अभिदृश्य के फोकस एफओ के ठीक बगल में रखा जाता है तब अभिदृश्य के द्वारा सूक्ष्म वस्तु एबी का वास्तविक तथा आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब एडेस बीडेस बनता है। नेत्रिका को आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रतिबिंब एडेस बीडेस नेत्रिका के फोकस एफी के अंदर हो जाए, एफी के अंदर हो जाए तब नेत्रिका के द्वारा आभासी वर्चुअल उल्टा इन्वर्टेड तथा आवर्धित इंग्लिश में इसको मैग्नीफाइड बोलते हैं प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनता है। इस नेत्रिका से ए डबल डैश बी डैश जो बीच की दूरी है वह कैपिटल डी है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ध्यान से देखिए अभिदृश्यक के लिए, क्योंकि ये लेंस अभिदृश्यक है तो अभिदृश्यक के लिए वस्तु की दूरी यूओ, प्रतिबिंब की दूरी वीओ और फोकस दूरी एफओ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। फिर यही बात नेत्रिका के लिए, ये वस्तु का काम करता है इसलिए वस्तु की दूरी यूई, प्रतिबिंब की दूरी वीई क्योंकि नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल एस बी डबल वीई और फोकस दूरी एफई।
है। अब हम लोग आवर्धन क्षमता क्षमता एम बराबर बीटा बटे अल्फा, चूंकि अल्फा तथा बीटा बहुत छोटा है, अल्फा तथा बीटा बहुत छोटा है, इसलिए अल्फा अप्रोक्स टेन अल्फा एवं बीटा अप्रोक्स टेन बीटा होगा। हम लोग यहां पे एम इक्वल टू टेन बीटा बटे टेन अल्फा। अब हम लोग टेन बीटा का मान निकालेंगे और टेन अल्फा का मान निकालेंगे। टेन बीटा का मान, टेन बीटा का मान निकालने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा ट्रायंगल ओ डैस ए डबल डैस बी डैस, ट्रायंगल ओ डैस ए डबल डैस बी डबल डैस नी ए डबल डैस बी डबल डैस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ए डबल डैस बी डबल डैस ये देखिए ट्रायंगल बना रहा है इस प्रकार से, इसीलिए इस लाइन को हम लोग नहीं इरेज किए। और ये ओ डैस ए डबल डैस, ओ डैस और ए डबल डैस के बीच की जो दूरी होगी वो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, हम लोग डायरेक्ट कैपिटल डी लिख देते हैं। टेन बीटा इक्वल टू सर टेन बीटा इक्वल टू ए डबल डैस बी डबल डैस बटे ए डी। अब हम लोग टेन अल्फा का मान निकालेंगे। टेन अल्फा का मान निकालने के लिए हम लोग को विचार करना पड़ेगा ट्रायंगल ई ए बी, टेन अल्फा का मान ट्रायंगल ई ए बी में, टेन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू ए बी अबटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस, अब बेस जो है इसमें कैपिटल डी है हम लोग डी लेते हैं। और टेन अल्फा और टेन बीटा का मान हम लोग रख देंगे एम इक्वल टू टेन बीटा बटे टेन अल्फा में, मान रखते हैं। फिगर तो हमें मिटाना पड़ेगा, मिटाए बिना नहीं होगा। टेन अल्फा तथा टेन बीटा का मान रखने पर एम इक्वल टू टेन बीटा के स्थान पर ए डबल डैश बी डबल डैश बटे डी बटे ए बी बटे डी। इस डी से डी को हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो आ जाएगा एम इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी। एडेस बीडेस बटे एडेस बीडेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी इंटू ए डैस बी डैस बटे ए डैस बी डैस हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं एम इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैस बी डैस। इस ए डैस बी डैस को हम लोग लिखे यहां पे और ए डैस बी डैस बटे हम लोग लिख सकते हैं ए बी। ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई है, आप फिगर में देखिएगा। और ए डैश बी डैश ये नेत्रिका के लिए वस्तु की ऊंचाई है ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो नेत्रिका के लिए रेखीय आवर्धन है इसलिए हम लोग इसके स्थान पे एम ई लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इंटू ए डैश बी डैश ये अभिदृश्यक के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई है ए डैश बी डैश। और ए बी वस्तु ए बी था और ये वस्तु की ऊंचाई है तो अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो हो जाएगा वह अभिदृश्यक का आवर्धन हो जाएगा, जिसे हम लोग एम ओ लिख सकते हैं एम ओ। तो कैपिटल एम इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ, फर्स्ट यहां पर लिख देते हैं क्योंकि एम ई इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश तथा एम ओ इक्वल टू
ए डैश बी डैश बाई ए बी रख दी। अब हम लोग क्या करेंगे कि एमओ और एमई का मान निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं एमओ का मान, एमओ का मान, ये तो परिभाषा से प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है ये परिभाषा से आया। बट हम लोग देखते थे कि लेंस के लिए जो आवर्धन का फॉर्मूला होता था एच डैश बटे एच बराबर बी बटे यू भी होता था। तो एमओ एमओ इक्वल टू ए डैश बी डैश अब बटा ए बी को हम लोग लिख सकते हैं भी ओ, ये होगा एच डैश बटा एच बराबर भी बटा यू भी होता है तो हम लोग भी ओ अब बटा यू ओ। अब या फिर ए डैश बी डैश जो अभी दृश्य से जो इमेज बन रहा था वो इमेज डिस्टेंस जो था ये एक्स एक्सिस की ओर है तो ये हम लोग यहां पे ये प्लस दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट यहां से इधर एक्स डैश की ओर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस तो हम लोग लिख सकते हैं और करके एमओ इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू ओ। अब हम लोग निकालेंगे एमई का मान, एमई का मान एमई इक्वल टू हम लोग पाया था ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश, ये नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे नेत्रिका के लिए वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं इसमें भी वीई अब बटा यूई। वीई जो नेत्रिका से जो प्रतिबिंब बन रहा था वीई इक्वल टू कैपिटल डी और कैपिटल डी जो था ये नेत्रिका से ये साइड मतलब एक्स डैश की ओर बन रहा था, एक्स डैश मतलब आपकी विपरीत दिशा में इसलिए माइनस डी और यूई तो निगेटिव होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, दोनों का वैल्यू हम लोग यहां पे रखते हैं तो और करके लिखते हैं एमई इक्वल टू माइनस डी और माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल तो एमई इक्वल टू हो जाएगा डी बटा यू, डी बटा यू। अब हम लोग क्या करते हैं एमओ और एमई का मान समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक से कैपिटल एम इक्वल टू माइनस बीओ बटा यू इंटू डी बटा यू ई, डी बटा यू ई। अब हम लोग चलेंगे नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से वन बटा एफ इक्वल टू वन बटा बी माइनस वन बटा यू, नेत्रिका के लिए आई के आई लेंस तो इसलिए ई ई ई लगा दिए और करके वन बटा एफ ई भी स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पे इमेज बनता है तो माइनस डी लिखते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस को लोग पहले लिख देते हैं वन बटा यू ई और माइनस वन बटा बी दोनों और कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करने पर कैपिटल डी बटा एफ ई कैपिटल डी बटा यू ई और माइनस डी बटा डी, ये डी से डी कैंसिल हो गया और करके हम लोग लिखते हैं डी बटा एफ ई इक्वल टू डी बटा यू ई और माइनस वन, माइनस वन को इधर रखते हैं ये डी बटा यू ई अकेला रहेगा तो अकेला वाला को पहले लिख देते हैं डी बटा यू ई इक्वल टू वन, ये इधर आया तो प्लस में तो प्लस में लिख दिए ऑलरेडी पहले प्लस में डी बटा एफ ई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे करते हैं समीकरण दो और समीकरण दो में डी बटा यू ई की जगह पे हम लोग वन प्लस डी बटा एफ ई रख देंगे, समीकरण दो से एम इक्वल टू माइनस वी ओ और बटा यू ओ इंटू वन प्लस डी बटा एफ ई, ये संयुक्त सूचकर्ष के आवर्धन क्षमता का व्यंजक। इसमें निगेटिव चिन्ह का अर्थ है कि अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा, क्योंकि संयुक्त सूचकर्ष में वस्तु एबी को अभिदृश्य के फोकस के ठीक बगल में रखा जाता है। फिगर में बताए थे कि सूचक वस्तु एबी को अभिदृश्य के फोकस के ठीक बगल में बाहर की ओर रखा जाता है तो उस स्थिति में हम लोग ये वस्तु की दूरी
और अभी त्रिज्या के फोकल दूरी लगभग आपस में बराबर होगी, इसलिए यू ओ एप्रोक्स एफ ओ हम लोग लिखे हैं। तथा अभिदृश्यक के द्वारा बना जो प्रतिबिंब एडेस बीडेस नेत्रिका के बहुत निकट बनता है, तो अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका के बहुत निकट बनता है, तो वी ओ इक्वल टू हम लोग कैपिटल एल, ये कैपिटल जो एल है यह यंत्र की लंबाई है, मीन्स संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई किसे कहते हैं हम लोग जस्ट ठीक इसके बाद पॉइंट में हम लोग देखेंगे। वैसे अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग यंत्र की लंबाई कहते हैं। तो प्रतिबिंब लगभग ही नेत्रिका के नजदीक बन रहा है, जिसे हम लोग वीओ को हम लोग एल के बराबर लिख सकते हैं। अब इस उपयुक्त समीकरण में वीओ के स्थान पे एल और यू के स्थान पे हम लोग एफ ओ लिखे, तो एम बराबर माइनस एल बटा एफ ओ इंटू वन प्लस डी बटा एफ ई। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए इसकी लंबाई अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर से वन मार्क्स क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसकी लंबाई को कम करना होगा, इसकी लंबाई को अधिक रखना होगा, इसकी लंबाई में अपरिवर्तन होगा और इनमें से कोई नहीं होगा, तो आंसर होगा इसकी लंबाई को अधिक रखना होगा, इसकी लंबाई अधिक होगी। फिर है दूसरा, आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए अभिदृश्यक तथा नेत्रिका दोनों की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, ऊपर ही हम लोग बताए थे। और यहां समीकरण से भी स्पष्ट होता है कि आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी दोनों कम होनी चाहिए और लंबाई अधिक होनी चाहिए, वन मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग देखेंगे इस स्थिति में यंत्र की लंबाई क्या होगी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जिसके लिए आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला माइनस यू बटा यू इंटू डी बटा एफ ई। हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में बताए थे कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो सारा चीज वही रहता है, सिर्फ वन हट जाता है। हम लोग यहाँ पे भी वन को हटा करके सीधा लिख दिए वी ओ बटा यू इंटू डी बटा एफ ई। यंत्र की लंबाई, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के बीच की दूरी को, अभिदृश्यक फिगर में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को हम लोग प्रकाशकीय यंत्र की लंबाई कहते हैं, इसे कैपिटल एल से सूचित करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जिसके लिए हम लोग फिगर बनाए थे, तो फिगर में आप देखिएगा कि अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बन रहा था वो प्रतिबिंब की दूरी वी ओ और वो एडेस बीडेस नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, तो यहां से एडेस बीडेस से नेत्रिका के बीच की दूरी को हम लोग यू ई के द्वारा दर्शाए हुए हैं, तो टोटल अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच का जो लेंस हो गया वो वी ओ प्लस यू ई हो गया, तो उस कंडीशन में एल बराबर वी ओ प्लस यू ई। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाने के लिए वस्तु को आपको रखना पड़ेगा फोकस पे, तो नेत्रिका को हम लोग आगे पीछे खिसका करके इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जो प्रतिबिंब एडेस बीडेस है वह नेत्रिका के फोकस एफ ई पर आ जाए, तो अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, तो उस कंडीशन में यंत्र की जो लंबाई होगी ये अभिदृश्यक से एडेस बीडेस की लेंथ वीओ और ये नेत्रिका की फोकस और नेत्रिका के बीच की जो लंबाई हो जाएगी एफ ई, तो टोटल लंबाई वीओ प्लस एफ ई, तो एल बराबर वीओ प्लस एफ ई होगा। इसे आप लोग एक बार ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए अपने कॉपी में और बुक भी पढ़िए, बुक को भी देखिए, फिगर में दिक्कत हो तो बुक से भी आप फिगर बना सकते हैं, कैलकुलेशन को देखिए। और इसके बाद हम लोग आगे इसके निर्विकल्प पर विचार करेंगे, फिर हम लोग टेलीस्कोप दूरदर्शी पॉइंट पर चलेंगे।